सो मैं इस लड़की के साथ आया हूँ, ये मेरी इंस्पिरेशन है दो साल से, बिकॉज ये लड़की जो है आंध्र प्रदेश के किसी गांव से हैं और वहाँ से ये आई थी इधर कुछ काम करने, कुछ करे यहाँ, और यहाँ आके ये मेड की नौकरी करती थी और इसको मार्शल आर्ट का शौक़ हुआ और करीबन 5 साल इसने मेड की भी नौकरी की, रात को मतलब पूरा दिन मेड की नौकरी करती है और शाम को ये जाके मार्शल आर्ट सीखती थी और आज ये लड़की ब्लैक बेल्ट हो गई है और एंड शी नॉट ओनली हैज़ वन सो मेनी कॉम्पिटिशन्स एंड टूर्नामेंट्स बल्कि नाउ शी ऑल्सो कोचेज अदर स्टूडेंट्स। सो ये मेरे लिए, मेरी ज़िंदगी के लिए बहुत इंस्पिरेशनल चीज़ है, बहुत सारी औरतों के लिए बहुत इंस्पिरेशनल चीज़ है, सो दैट्स इट, इसलिए मैं आया हूँ। मैं जिस बैकग्राउंड से आया हूँ वहाँ पर महिलाओं का सम्मान मैंने बचपन से होते देखा है, मेरी दादी का, मेरी माँ का, बहुत सारे लोगों का जो काम करते हैं। मैं निम्न वर्गीय परिवार से था जहाँ पर महिलाएं बहुत काम करा करती थी, घर को वो संभालती थी। महिलाएं मुझे लगता है पुरुषों से ज़्यादा सशक्त हैं, ज़्यादा सुपीरियर हैं। पुरुष जो हैं वो सशक्त होने का ढोंग करते हैं, जबकि सच्चाई इस बात में है कि महिलाएं ज़्यादा सशक्त हैं। आप ज़्यादा हैरान मत होइए, ये सच है, और मैं ये इस पॉपुलैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू नहीं कहना चाहता कि ये पॉपुलर नॉर्म बोलने का है। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एनीबडी हु हैज द पावर टू गिव बर्थ टू अनदर ह्यूमन बीइंग इज एनी वे सुपीरियर टू एनी स्पीसीज इन द वर्ल्ड। Wonderful night, it's a wonderful function, it's something which is very special to me and I made sure I made it back in time for this night. I think as actors our work gets awarded, we get a lot of recognition, a lot of praise for all the things that we do. If a movie does well, if you do a nice ad, if you do a nice show, but I think the women tonight who are being recognized here, they are women who are doing amazing work but very rarely get recognized or get recognition or get any kind of praise or acknowledgement. So I think tonight is a very special award ceremony and something which is important. मैं इस इवेंट के साथ जुड़ी हूँ पिछले 3 सालों से, आप थे मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के टाइम पे, तो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू बी हियर। और ये सब वुमेन अचीवर्स हैं, फीमेल अचीवर्स हैं और दे डन अ लॉट फॉर द सोशल वर्क, दे डन अ लॉट फॉर द कम्युनिटी, सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू बी हियर। एक्चुअली बहुत सारा कह गया है, लाइक दे सेड अ लॉट ऑफ थिंग्स, अभी मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाह सकती हूँ। आई एम जस्ट सेइंग दैट वी ऑल्सो हैव टू बी केयरफुल नाउ, स्पेशली इन बॉम्बे। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं बॉम्बे के बारे में भी ऐसा बोलूँगी, बट आई थिंक वुमेन ऑल ओवर इंडिया नीड टू बी जस्ट मोर केयरफुल, नॉट गो आउट अलोन आफ्टर सर्टन टाइम। I think that's it. You can't do anything else. There's not much that can be done till the government doesn't do something about it. I think it's extremely important. I think times are changing and whether अगर आप कोई सेल फोन देखें उस पर भी ऐप्स शुरू हो गए हैं, अगर आप किसी कैब को बुक करें उस पर भी ऐप्स शुरू हो गए हैं, हर जगह वुमेन सेफ्टी के ऐप्स शुरू हो गए हैं। आई जस्ट होप दैट इट बिकम्स अ बेटर प्लेस, इट्स रियली अनफॉर्चुनेट दैट इट्स स्टिल सच अ, आई मीन विद आर कंट्री ग्रोइंग सो मच मोर फॉरवर्ड, इट्स सो रिग्रेसिव टू स्टिल वेक अप इन द मॉर्निंग एंड रीड द पेपर एंड हियर अबाउट रेप्स एंड ऑन द अनफॉर्चुनेट थिंग्स, बट इट्स अ ग्लैमरस नाइट, लेट्स स्टिक टू ऑल द अचीवमेंट दैट वुमेन हैव अचीव्ड। The show, yes, me and Neil are hosting this show together and we're very excited. It's the first time I've ever hosted a show, so thodi nervous bhi hoon, but theek hai, dekhte hain kaisa chalega. I mean, I've already obviously read the script and so I know all the nominees and they are absolutely amazing women who've done incredible feats and I'm just proud to be part of this and to at least meet them in person and to represent them tonight. मैं इस देश को चाहती हूँ एक स्टेबल पार्लियामेंट मिले, ऐसी सरकार मिले जो पार्लियामेंट चले और पार्लियामेंट कानून पास करे और पार्लियामेंट हमें कायदे की पॉलिसीज दे। सो अगर हम एक ऐसी पार्टी को नहीं लाएंगे सही नंबर पे जिसको कहते हैं मिशन 272, तो फिर पार्लियामेंट नहीं चलेगी, कानून भी नहीं मिलेंगे, आपको कायदे का बजट भी नहीं मिलेगा, आपको ग्रोथ नहीं मिलेगा, आपको यूनाइटेड इंडिया नहीं मिलेगा, इंडिया टुकड़ों में हो जाएगा। इस वक्त मैं नहीं चाहती मेरा इंडिया टुकड़ों में हो, मैं चाहती हूँ एक यूनाइटेड इंडिया हो, एक स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंट हो
जो अच्छे कानून पास कर सके और जवाबदेही हो, अच्छे लोग ऑपोजिशन में भी बैठे और तजुर्बेकार लोग सरकार में भी बैठे, ऑपोजिशन में भी बैठे लेकिन सरकार चलाने वाले भी बैठे, हमारी सरकार भी चले लेकिन जवाबदेही हो ऑपोजिशन के लिए। हमको एक अच्छी ऑपोजिशन भी चाहिए, हमको एक अच्छी सरकार भी चाहिए। देखिए हम ये जान चुके हैं कि हमारे देश में एक कॉन्शियस क्लेंजिंग होने की बहुत ज़रूरत है। हम जितना कितने सारे कैंपेन्स हैं, मेरा मतलब दिल टूटता है जब मैं थोड़े स्टेटिस्टिक्स देखती हूँ। कल ही मैंने एक बहुत बहुत हार्ट ब्रेकिंग आर्टिकल पढ़ा जिसमें पता चला है कि ओवर 2,50,000 गर्ल बेबीज फीटसेस आर किल्ड इन आर कंट्री इवन एवरी डे एवरी ईयर एंड दैट शॉक्स यू। For after all the so-called public service messages, after all the so-called government initiatives, after all of us, so many of us coming forward and saying, लड़की लड़के के बराबर है, लड़की को मत मारिए, फिर भी हमारे देश में हर साल almost 2.5 lakh babies, girl child babies are killed. When you read statistics like this, you wonder क्या बदलाव आएगा? और आई थिंक बदलाव हम में आना है, हम जिस तरह सोचते हैं, हम जैसा रहते हैं उसमें बदलाव आना है। बिल्कुल, आई थिंक हर शाम को आई थिंक औरतों को प्रोत्साहन देना चाहिए बिकॉज दे वेरी वेरी स्पेशल एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। वी हैव टू सेलिब्रेट वुमेन्स अचीवमेंट एंड वुमेन देमसेल्व्स एंड आई थिंक यू नो इट सेज इज ऑल वुमेन ऑफ वर्थ। I think everybody should vote, especially women. I think it's very important. I think it's very important ki aurte bhi vote de, hum bahar aaye and we make our choices known and use the power of the ballot.